हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल B1 इन्फॉर्मेशन में। आज हम बात करेंगे हल्दी की खेती की ग्रोथ कैसे बढ़ाएं। हल्दी की खेती की ग्रोथ बढ़ाने के लिए हमने कुछ ये देसी खाद और इसके अंदर मिश्रित वर्मी कंपोस्ट लिए हैं दोस्तों। और हल्दी की खेती की ग्रोथ बढ़ाने के लिए हमें इसके मूल में, इसकी जड़ में थोड़ा थोड़ा इसे देसी खाद देना है ऐसे। और फिर आप देख पाएंगे बड़ी आसानी से, आराम से, कि इस हल्दी की ग्रोथ कैसे बढ़ती हैं। हल्दी की आराम से ग्रोथ बढ़वाने के लिए पहले हमें देसी खाद लेना पड़ता है। और देसी खाद में मिश्रित थोड़ा वर्मी कंपोस्ट, फिर ये हल्दी को अच्छी तरह से बढ़वार देता है। इसकी मूल में थोड़ा थोड़ा डालने से इसकी ग्रोथ में फ़ायदा होता है। और वर्मी कंपोस्ट ना डाले तो भी प्योर देसी खाद होता है जो अच्छी तरह से गल गया हो तो वो भी आप डाल सकते हो। मैं आपको एक ये हल्दी का जो ये है मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये अभी हल्दी का पौधा, इसमें जमीकंद बनने लग गया है। ये हल्दी का पौधा है और इसमें ये जमीकंद बनने लग गया है। थोड़े दिनों में ये जमीकंद बनकर तैयार हो जाएगा और करीबन 1 किलो तक ये जमी में बैठ जाता है हल्दी, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन है। हल्दी को हम दूध के साथ भी सेवन करते हैं, स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन है। तो ये अभी पौधा बनने लग गया है हल्दी का और महीने भर में ये बड़ी आसानी से किलो तक का बैठ जाएगा हल्दी। और फिर इसको आप उखाड़ सकते हो। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये जैसे हल्दी की अच्छी ग्रोथ पाने के लिए, या अच्छी ये जो जमीकंद है हल्दी का, ये मतलब किलो से भी अधिक ज़्यादा बैठने के लिए, इसमें अच्छी ग्रोथ के लिए गौमूत्र का छिड़काव किया जाता है। और गौमूत्र का नहीं तो इसमें देसी खाद प्लस वर्मी कंपोस्ट मिश्रित करके फिर इसके मूल में, जड़ में थोड़ा थोड़ा इसे देते हैं। और फिर आप देख पाएंगे कि ये कैसे बढ़वार करता है। ये देसी खाद है, ये देखिए, ये देसी खाद है। तो आप इसके मूल में अच्छी तरह से डालकर इसकी ग्रोथ में फ़ायदा ले सकते हो और इसकी जमीकंद इससे ज़्यादा बैठता है और इससे फ़ायदा होता है, जमीकंद ज़्यादा बैठता है। और इसके मूल में डाल सकते हो। तो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद।